वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस शेयर कर दिए हैं, कंटेंट में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पीडीएफ उसके आपके अवेलेबल है। तो ये तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करके जा रहे हैं तो आप ये सारे क्वेश्चन को पढ़िए कम से कम। तो लेकिन अब कुछ सवाल ऐसे हैं कि सर इम्पॉर्टेंट में तो बहुत कुछ आ गया लेकिन हमें इतना भी कुछ नहीं पढ़ना, हमें इससे भी कम कुछ पढ़ना है, तो इम्पॉर्टेंट में से भी सिलेक्टेड की बात है। तो अब मैं आपको कुछ वो बात बता रहा हूँ जो कि आपको छोड़ के जाना ही नहीं है, पेपर में आएगा ही आएगा। जैसे कि एक न्यूमेरिकल कुछ इस टाइप का, खासकर जो लास्ट क्लास में न्यूमेरिकल मैंने करवाया था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था, आपके कंटेंट में अपडेट हुआ होगा आज न्यूमेरिकल का एक क्वेश्चन, और न्यूमेरिकल एक आपके पेपर में आएगा ही आएगा। देखिएगा यूनिट वन, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यूनिट वन में से इश्यूज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एक क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना आप। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम में इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडिशन मेथड, एक क्वेश्चन गारंटेड है, सिर्फ मेथड को एक्सप्लेन करना होगा, आएगा ही आएगा नो डाउट। रियल इन जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा नो डाउट, तीन सवाल बता दिए मैंने आपको। न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, चार सवाल मैंने आपको बता दिए, अभी चार बता दिए मैंने, मैं इसके बाद भी कुछ बताऊंगा आपको, ठीक है। तो आज इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। कंसीडर द इक्वेशन, आपके पास में बच्चे कुछ क्वेश्चन है, लाइक क्वेश्चन नंबर सेवन नेशनल इनकम का, या तो सब कुछ आपके लिए आसान कर दिया है कि आपके पास में नेशनल इनकम का फंक्शन गिवन है, ए इक्वल्स टू ए क्या होता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन बी क्या होता है, एमपीसी एंड वाई माइनस टैक्स इनकम माइनस टैक्स प्लस आई मतलब इन्वेस्टमेंट, जी गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट, ये फोर इकोनॉमी मॉडल के अंदर हम नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं। बच्चे जो भी बात करनी है ना, वॉइस क्लियर, जो भी आपको बात करनी है ना हैंड रेज मत करिए, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, आप जो है कमेंट के थ्रू आप बात करें। हाँ जी, तो आपके पास में ये नेट एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये फोर इकोनॉमी मॉडल है, क्योंकि इस इकोनॉमी मॉडल के अंदर आप देखेंगे हाउस होल्ड भी है, फर्म इन्वेस्टमेंट भी कर रही है, और गवर्नमेंट भी है, तो गवर्नमेंट आ गया तीन इकोनॉमी मॉडल, और फॉरेन सेक्टर भी है, तो फोर इकोनॉमी मॉडल के अंदर नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन हम कर रहे हैं। तो आपको वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आपके सामने क्वेश्चन नंबर सेवन है, सेवन आप पहले ट्राई करें, उसके बाद मैं करूँगा, आप कमेंट में अपना आंसर लिखें, फिर हम करेंगे, फिर देखते हैं कितने बच्चे इसको करेक्ट कर पाते हैं। बच्चे फिजिकल नोट्स नहीं है, हेलो हेलो, हाँ जी बच्चे, देखिएगा बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसमें दो अप्रोच से करना था, नेशनल इनकम बोथ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एंड एग्रीगेट आउटपुट अप्रोच, ये तो आपके पास में आपने इसे कर ही लिया, लेकिन सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच में आपने क्या इक्वेशन बनाया है, जरा उसको आप कमेंट में लिख के बताएं। देखिए बच्चे आपके पास में क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहा हूँ तो आपके पास में वाई की, आपके पास में पता है आपको वाई क्या होता है, वाई इक्वल्स टू, वाई इक्वल्स टू आपके पास में बच्चे होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट, ठीक है बच्चे, ये आपके पास में बाय एग्रीगेट इनकम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड है। तो नेशनल इनकम सी आपके पास में क्या होता है, एक तो ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है प्लस आपके पास में एमपीसी होता है आपके पास में बच्चे, क्लियर है, और आपके पास में डिस्पोजिबल इनकम होता है, क्लियर है, और प्लस जी अपनी जगह पर है और प्लस नेट एक्सपोर्ट अपनी जगह पर है, और आपके पास में बच्चे ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस एमपीसी, एमपीसी नहीं एमपीसी, आपके पास में एमपीसी और डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है बच्चे, आपके पास में इनकम माइनस में टैक्स, ये डिस्पोजेबल इनकम होता है, प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट। अब आपको नेशनल इनकम निकालना है तो ऑटोनोमस कंजम्पशन आपको कुछ कंजम्पशन फंक्शन दिया होगा, ये डायरेक्ट आपको सी दे दिया है, आई 20 बी 0.75 आई गिवन है आपको 20 करोड़, बी मतलब एमपीसी गिवन है आपके पास में बच्चे 0.75,
और आपके पास पे GT25, GB25 है, TB25 करोड़ है, सब करोड़ में है। और आपके पास में एक्स और एन 22 और 28 है, एक्स 22 और एम 28 है, 30 है, देखते हैं, 30 है, क्लियर है। और कुछ गिवन है आपके पास पे? नहीं। तो आइए नेशनल इनकम निकालते हैं फिर यहाँ से हम। तो वाई इक्वल्स टू आपके पास पे ऑटोनोमस कंजम्पशन सी बार, ऑटोनोमस कंजम्पशन गिवन होगा आपके पास पे, आपको, हाँ जी। तो आई गिवन है आपके पास में, बी गिवन है आपके पास में, जी और टी गिवन है आपके पास में, एक्स और एम गिवन है। फाइंड द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम यूजिंग द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एंड एग्रीगेट आउटपुट अप्रोच। और ए की वैल्यू गिवन होनी चाहिए बच्चे, आई दे दिया है इस पे, बी दे दिया है, जी टी एक्स एम, ए कहाँ है इसमें आपका? क्वेश्चन में मिस्टेक है फिर तो। तरंग कुमार वेरी गुड, जो आपने सेविंग फंक्शन लिखा है वो अच्छा लिखा है आपने, क्लियर है बच्चे, ये बहुत अच्छा आपने करा है तरंग। देखिए बच्चे, जितना इंफॉर्मेशन उसे करते हैं, सी बार हमारे पास में कुछ भी नहीं है और जीरो कंसीडर कर लो। वैसे ऑटोनोमस कंजम्पशन कभी जीरो होता नहीं है, पर न्यूमेरिकल कर रहे हैं, नहीं गिवन है तो जीरो कंसीडर कर लो आप इसको। प्लस एमपीसी 0.75, वाई वाई आपके पास में बच्चे क्या है पता नहीं, माइनस टैक्स क्या है आपके पास में, टैक्स तो आपको पता है ना 25, प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या है 25, और प्लस इस पे आई भी आएगा आपका, और प्लस आपके पास में बच्चे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आ गया, उसके बाद आपके पास में आई क्या है 20, क्लियर है बच्चे। टैक्स 25 है, जी इक्वल टू, ठीक है। और नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट सॉल्व करेंगे, वाई इक्वल्स टू 0.75 वाई माइनस 25 का 75%, 25 × 0.75, 18.75 प्लस 45 माइनस 8। वाई के टर्म को एक तरफ ले लो आप, तो 0.25 वाई आएगा एंड इक्वल्स टू 45 माइनस 18.75 माइनस 8, 18.25, पॉइंट से पॉइंट एलिमिनेट एंड वाई इक्वल्स टू 825 अपॉन 25, 1825 डिवाइडेड बाय 25, तो y इक्वल्स टू क्या आया बच्चे 73 करोड़। तो आपका y की वैल्यू क्या आई है, y वंशिका, वेरी गुड, 73 करोड़ y की वैल्यू है। अब इसमें एक नया टर्म कहते हैं तो आपको खैर आता ही है, इसमें एक नया टर्म बच्चे क्या है, जो कि तरंग, मैंने कहा सेविंग अप्रोच से करना है आपको, क्लियर है बच्चे, सेविंग फंक्शन के अप्रोच से करना है आपने, देखो
सेविंग के अप्रोच से। तो सेविंग अप्रोच से क्या होता है, सेकंड अप्रोच, आप जानते हैं कि एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई होता है। यहाँ से देखो, एग्रीगेट डिमांड नेशनल इनकम इक्वल्स टू क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड। क्लियर है बच्चे? नेशनल इनकम कहाँ, हमारी इनकम कहाँ जाती है, कंजम्पशन पे जाती है, बाकी बच जाता है, सेव हो जाता है, और हमारे इनकम का कुछ पैसा हम टैक्स पे कर देते हैं। और एग्रीगेट डिमांड आपको पता है डिमांड कहाँ कहाँ से करते हैं, कंजम्पशन होता है, इन्वेस्टमेंट के लिए डिमांड करता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के लिए डिमांड करती है, और हम नेट एक्सपोर्ट के लिए डिमांड करते हैं। ये कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड है हमारा। अब आपको पता है कि यहाँ सी से सी आपका कैंसिल हो गया, एंड एस प्लस टैक्स इक्वल्स टू आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट। अब आपको पता है कि एस प्लस टैक्स माइनस आई माइनस सॉरी माइनस जी, क्लियर है, एंड माइनस नेट एक्सपोर्ट इक्वल्स टू आई। अब आप सेविंग फंक्शन कैसे बनाओगे, कंजम्पशन फंक्शन बना लिया आपने बच्चे, तो कंजम्पशन फंक्शन से आप सेविंग फंक्शन कैसे बनाओगे। देखो कंजम्पशन फंक्शन क्या है आपका, अलग पेज ले लेता हूँ। कंजम्पशन फंक्शन आपके पास में बच्चे क्या होता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस एमपीसी और डिस्पोजेबल इनकम, कंजम्पशन फंक्शन है आपका ये। और सेविंग फंक्शन क्या होगा, यही जो ऑटोनोमस कंजम्पशन जीरो इनकम पर हो रहा है, तो यही चीज़ हमारी नेगेटिव सेविंग है। और एमपीएस, ये एमपीएस आएगा बेसिकली क्या होता है, एमपीएस बेसिकली क्या होगा, हाँ ठीक है बताता हूँ अभी, एमपीएस आता है, क्लियर है, और डिस्पोजेबल इनकम का, क्योंकि जीरो इनकम के लेवल पे हम जो कंजम्पशन करते हैं, लाइक आप, मेरी इनकम तो है नहीं, मैंने 10,000 का कंजम्पशन कर लिया, कहाँ से करा, पुरानी सेविंग से करा, तो ऑटोनोमस कंजम्पशन मेरी नेगेटिव हो जाती है जीरो इनकम के लेवल पे। तो यही सी माइनस सी बार। अब एमपीएस कैसे निकलता है आपको पता है, वन माइनस एमपीसी एंड डिस्पोजेबल इनकम। क्लियर है बच्चे? यहाँ तो खैर सी बार का कोई रोल ही नहीं है आपके क्वेश्चन में, क्योंकि वो दिया हुआ ही नहीं है। तो आप सेविंग फंक्शन कैसे बनाओगे, सेविंग फंक्शन इक्वल्स टू माइनस सी बार तो है ही नहीं, अब प्लस में आपके पास में एम वन माइनस एम पी सी एंड डिस्पोजेबल इनकम वाई माइनस टैक्स, ऐसे बनाओगे। क्लियर है बच्चे? एंड प्लस टैक्स माइनस गवर्नमेंट माइनस नेट एक्सपोर्ट इक्वल्स टू आई, वन माइनस एम पी सी, तो एम पी सी क्या है 0.75, तो 0.25। क्लियर है बच्चे? y माइनस टैक्स, टैक्स का 0.25 कितना होगा हमारे पास में 18.75, सॉरी टैक्स कितना था हमारा 25 इंटू 0.25 6.25, पता लगा कैसा है, नहीं पता लगा आपको? 1 माइनस एमपीसी 0.2, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको ये स्टेप समझ में नहीं आएगा तो देख लो, 1 माइनस एमपीसी 0.25, वाई माइनस टैक्स प्लस टैक्स माइनस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या है हमारा 25, माइनस नेट एक्सपोर्ट क्या है मेरे पास में माइनस 8। क्लियर बच्चे? और इन्वेस्टमेंट क्या है मेरे पास में 20। क्लियर है? वाई की वैल्यू निकालते हैं यहां पर हम, 0.25y माइनस 25 का 0.25, 6.25 प्लस 25 माइनस 25 जीरो प्लस 8 इक्वल्स टू 20। क्लियर है? अब सॉल्व करते हैं, 8 माइनस 0.8 माइनस 6.25 1.75, 0.25y equals to plus 1.75 equals to 20 minus 20, 0.25y equals to 18.25,
क्लियर है, पॉइंट से पॉइंट कट गया एंड वाई इक्वल्स टू 18.25 अपॉन 25 डिवाइडेड बाई 25 तो 73। प्रूफ हो गया बच्चे, ये बात समझ में आपको आई या नहीं आई बताइए जरा, ये क्लियर है या नहीं है? अच्छा क्वेश्चन था ये तो बच्चा, देखो ये तो हर कोई कर लेगा, दिमाग इसमें लगाना था आपको, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच, ये अप्रोच ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक था। ये देखो जरा, मैंने सेविंग पहले एग्रीगेट, जो हमारी एग्रीगेट डिमांड होती है वही हमारी नेशनल इनकम बनती है, जो हम सब लोग डिमांड करते हैं वही हमारी नेशनल इनकम बन गई, क्लियर है? और नेशनल इनकम का हमारे पास में फार्मूला क्या है, जो हमारी इनकम है हमारे देश की इनकम कहाँ जाती है, कंज्यूम होती है, सेविंग होती है, और इसके अलावा भी हमारे पैसा कुछ ऐसा टैक्स में चला जाता है, क्लियर है बच्चे? तो टैक्स हो गया और इक्वल्स टू सी प्लस, और हमारा एग्रीगेट डिमांड है, चार कंपोनेंट है, ओपन इकोनॉमी मॉडल में कंजम्पशन करते हैं हम, इन्वेस्टमेंट करने के लिए डिमांड करते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के लिए डिमांड करते हैं, नेट एक्सपोर्ट के लिए डिमांड करते हैं, इक्वल हो गया। और इसको हमने सेविंग फंक्शन कैसे बनाते हैं ये कलाकारी थी, तो मैंने यहाँ सिखाया था सेविंग फंक्शन आप कैसे बनाते हैं, कहाँ कहाँ बताया अभी सेविंग फंक्शन का आपका खेल, अलग पेज बताया था मैंने आपको। हाँ ये सेविंग फंक्शन, ये माइनस सी हो जाता है या एमपीएस हो जाता है, क्लियर है बच्चे? तो सेविंग फंक्शन आपका ऐसे बनता है, क्लियर है? ये बात समझ में आया आपको? और इसमें एक बात और ध्यान रखना, बेसिकली माइनस कर देना इसमें ट्रांसफर टीआर भी होता, बढ़िया दिया हुआ है ना, मैंने लिया नहीं इसलिए, टीआर होता है माइनस टीआर, ट्रांसफर, ऐसी इनकम, ऐसी चीजें जो कि ट्रांसफर इनकम, लाइक किसी ने गवर्नमेंट ने ट्रांसफर पेमेंट कर दिया आपको तो आपकी ट्रांसफर इनकम होगी, क्लियर है? तो ये सारी चीजें आपके पास में माइनस करोगे, गवर्नमेंट को ही किसी कंट्री ने हेल्प कर दी, ट्रांसफर पेमेंट कर दी, तो टीआर माइनस करेंगे, तो ये पूरा का पूरा आपका इक्वेशन बनता है, नहीं है यहाँ पर तो उसको जीरो कंसिडर कर लिया। और इसी में हमने फिर सिर्फ हमें इन्वेस्टमेंट सेविंग अप्रोच था, तो मेरे को इन्वेस्टमेंट एक तरफ रखना था, बाकी सब चीज़ें यहाँ ले आया, और बस वैल्यू को रिप्लेस करने की बात थी। चीज़ें आसान इसलिए थी कि टैक्स दे दिया था, अगर टैक्स ऐसा होता कि 0.75 टी तो फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ता हो, क्लियर है बच्चे? समझ में आया आपको ये? कोई डाउट? चलिए और क्वेश्चन, यहां देखो क्या है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, सी गिवन है, ठीक है भैया, इन्वेस्टमेंट गिवन है, वेरी गुड, टैक्स गिवन है, वेरी गुड, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गिवन है, वेरी गुड, एंड डिस्पोजेबल इनकम, वाई डी स्टैंड फॉर डिस्पोजेबल इनकम, उसको कोई नीड नहीं है, तो मेरे पास टैक्स है तो मैं वाई माइनस टी कर दूंगा, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझे कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम, ये इजी है, ये तो इजी है बच्चे, गिवन द फॉलोइंग डाटा फॉर द इकोनॉमिक कंजम्पशन फंक्शन इक्वल्स टू दिस, ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू दिस, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू दिस, ये जेड क्या है मुझे नहीं पता भैया, देखना चेक करना पड़ेगा, एंड कैलकुलेट द फॉलोइंग, सेविंग एंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, आपको सेविंग बतानी है, तो अभी सेविंग का फॉर्मूला बनाया था ना वैसे बनाना है, द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर एंड द चेंज इन इनकम, द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर क्या होता है, के अपॉन में वन अपॉन एम पी एस, के इक्वल्स टू वन अपॉन वन माइनस एम पी सी, एम पी सी होता है, के इक्वल्स टू वन अपॉन वन माइनस एम पी सी की वैल्यू क्या होती है, जो कंजम्पशन फंक्शन में ये दिया होता है, ये एम पी सी होती है 0.8, तो 1 अपॉन 0.2 10, के इक्वल्स टू 5, तो ये आपके मल्टीप्लायर आ जाएगा, क्लियर है बच्चे, के इक्वल्स टू 5। अब क्या बोल रहा है आपसे, द वैल्यू मल्टीप्लायर एंड द चेंज इन इनकम इफ इन्वेस्टमेंट डिक्रीज बाय 20 करोड़, चेंज इन इनकम क्या होता है हमारे पास में, के इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, के मेरे पास में 5 है और इन्वेस्टमेंट मेरे पास में चेंज बता रखा है 20 है, एंड चेंज इन इनकम निकाल लूंगा, तो चेंज इन इनकम कितना आ गया मेरे पास में 100 करोड़, तो दो ये लास्ट का तो आपके पास में नई चीज़ थी तो मैंने बता दिया कैसे है, सेविंग एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, तो आप इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकाल लोगे और उस इनकम में से आप अपना कंजम्पशन फंक्शन माइनस कर दो, जो आपने अभी पढ़ा था पीछे, यहाँ से सेविंग अप्रोच कर लो ने, सेविंग को बस यहाँ टैक्स को ट्रांसफर कर दो, तो सेविंग आ जाएगा आपके पास पे, क्योंकि आपके पास में इनकम तो आप निकाल ही लोगे, क्लियर है बच्चे, ये बात समझ में आई आपको? तो हमने यहाँ न्यूमेरिकल कर लिया, नेक्स्ट क्लासेस में सैटरडे को न्यूमेरिकल की आपके आपका टेस्ट होगा,
उस टेस्ट के लिए आप प्रिपेयर रहेंगे, देन मैं उसका सॉल्व करवाऊंगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है इसको आप छोड़ के जा नहीं सकते, पेपर में आना ही आना है इसका। बच्चे डिटरमिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, यहां से आप कवर करेंगे। आप लाइव क्लास पे मत जाना, लाइव क्लास पे सही से नाम अरेंज नहीं है। आप कंटेंट में जाओगे ना, तो कंटेंट में हर यूनिट का आपका टाइटल डला हुआ है, उसके अंदर जाओगे तो उसके अंदर जो है सारे चैप्टर वाइज टाइटल वाइज आपके पास में सारे फोल्डर मिल जाएंगे, तो वहां आपको पता लग जाएगा। मिलते हैं बच्चे फिर नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।